आप सिस्टम के साथ कुछ ऐसी छेड़खानी करते थे जिसकी वजह से आपका डिवाइस ब्लेड हो जाता, पोको लोगो या फिर रेडमी लोगो पे स्टक हो जाता, ओपन नहीं होता, बूट लूप में स्टक हो जाता, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कौन से भी डेड फोन को इजिली रिकवर कर सकते विदाउट पीसी के। तो आज की वीडियो में अपन वॉइस देखने वाले। तो पहले तो आपको दो चीज यहाँ पे समझना पड़ता है कि सॉफ्ट ब्रेक क्या रहता और हार्ड ब्रेक क्या रहता। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, अगर आपका डिवाइस यहाँ पे स्टक हो चुका है, लोगो पे स्टक हो जा रहा, ओपन नहीं हो रहा, लेकिन फास्ट बूट मोड उसका एक्सेसिबल है, तो सॉफ्ट ब्रेक रहता, आप उसको रिकवर कर सकते। वैसे ही अगर आपका डिवाइस यहाँ पे स्टक हो चुका है, ओपन ही नहीं हो रहा है, स्क्रीन खुली नहीं रही है, फास्ट बूट भी इनएक्सेसिबल है, तो वो हार्ड ब्रेक रहता। हार्ड ब्रेक फोन को आप रिकवर नहीं कर सकते, उसको आपको सर्विस सेंटर में लिंक जाके बताना पड़ता, तभी आपका डिवाइस फिक्स होता। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा कि सॉफ्ट ब्रेक क्या रहता और हार्ड ब्रेक क्या रहता। हार्ड ब्रेक फोन को आप रिकवर नहीं कर सकते, सॉफ्ट ब्रेक फोन को आप यहाँ पे रिकवर कर सकते। तो हर Xiaomi डिवाइस का फास्ट बूट रोम रहता, जब आप फोन परचेस करते तो फास्ट बूट रोम भी वहां से इंस्टॉल आता। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करें, कुछ गलत फाइल्स फोन में इंस्टॉल करें, तो फास्ट बूट रोम में बहुत से इंटरप्शन आ जाते हैं, मतलब कुछ एरर्स आ जाते हैं जो कि आपके डिवाइस को बूट होने नहीं देते। तो इसको फिक्स करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एक फ्रेश एंड न्यू फास्ट बूट रोम फ्लैश कर देना अपने डिवाइस में, तो आपका डिवाइस यहाँ पे रिकवर हो जाता। तो अब अपन यहाँ पे अपने डिवाइस को फ्लैश करने वाले, फास्ट बूट रोम अपन इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस में। अब आपका डिवाइस यहाँ पे खुल जाता। वीडियो को अब अच्छे से देखो, कोई भी स्टेप मिस मत करो। यहाँ पे कुछ कमांड्स मैं आपको दे रहा हूँ, कमांड्स अच्छे से टाइप करो। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेहनत तो लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। चलो जल्दी से वीडियो को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। ये है मेरा Redmi Note 9 Pro Max जिसको अपन एज ए पीसी यूज करेंगे, और ये है मेरा Poco X3 NFC। ये फोन डेड हो चुका है, अभी ओपन नहीं हो रहा है, मैंने इसको बहुत ट्राई किया। तो अच्छे से देख लो दोनों डिवाइसेस को, इसको अपन एज ए पीसी यूज करेंगे और ये डिवाइस डेड है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों का मेक श्योर करना है, लाइक दोनों भी डिवाइसेस यहाँ पे फुल्ली चार्ज रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस 10% चार्ज है, ये डिवाइस 5% चार्ज है। दोनों डिवाइसेस को अच्छे से चार्ज कर लेना, तभी आप यहाँ पे प्रोसेस को करना, नहीं तो इन बिटवीन अगर प्रोसेस एंड हो गया तो आपका फोन हार्ड ब्रेक हो सकता। और जो पीसी डिवाइस है आपका, जो भी आप पीसी डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसमें 12 GB मिनिमम स्टोरेज तो फ्री रहना चाहिए। कुछ अगर बेकार के फाइल्स है तो डिलीट कर दो, कुछ एप्लीकेशन बेकार के पड़े हुए तो डिलीट कर दो, 12 GB मिनिमम फ्री स्टोरेज रहना चाहिए। और ये पीसी डिवाइस आप कौन सा भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं Redmi Note 9 Pro Max ले रहा हूँ, आप यहाँ पे कौन सा भी डिवाइस रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अपने डेड फोन को साइड में रखेंगे, अपने को सबसे पहले यहाँ पे पीसी डिवाइस को सेटअप करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता अपने डिवाइस में, ये फाइल्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टर्मक्स का ऐप है, टर्मक्स API है और ये फास्ट बूट रोम है। ये तीन फाइल्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती, टर्मक्स API और टर्मक्स ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और ये जो फास्ट बूट रोम है, ये मेरे डिवाइस में वर्क करता, ये जो डेड फोन है इसका फास्ट बूट रोम मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसको कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फास्ट बूट रोम भी अपना डाउनलोडेड है, तो यहाँ पे अपन टर्मक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। टर्मक्स ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अपन टर्मक्स API को इंस्टॉल कर लेंगे। और ये जो टर्मक्स API है, ये बैकग्राउंड में रन होता, अब इसको ओपन नहीं कर सकते, ये बैकएंड में रन होते रहता जैसे अपन टर्मक्स ऐप को यूज करते। तो यहाँ पे अपने दोनों भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन टर्मक्स एप्लीकेशन में चल जाएंगे। अब ये जो टर्मक्स एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप प्ले स्टोर वाला टर्मक्स यूज करो। यहाँ पे मैं मेरा वाला टर्मक्स ही आप यूज करो, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँ डिस्क्रिप्शन में। क्यों बोले तो प्ले स्टोर वाले टर्मक्स में कमांड्स रन नहीं हो रहे, मैं ट्राई करके देखा। यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन देख सकते हो ओपन हो चुका है, इसमें आपको कुछ कमांड्स को रन करना पड़ता। अब कमांड्स आप अच्छे से देख के डालना, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना, कैप्स स्मॉल देख के डालना, तभी यहाँ पे सारे कमांड्स एग्जीक्यूट होते। वैसे मैं यहाँ पे साइड में लिख के आपको डाल देता हूँ कमांड्स में जो भी टाइप कर रहा हूँ उधर। तो यहाँ पे अपन सबसे पहला कमांड इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे मैं PKG स्पेस देके अपडेट टाइप कर देता हूँ। इतना टाइप करके अपन एंटर कर देंगे, तो जो पैकेजेस है वो आपके टर्मक्स एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाते, मतलब डाउनलोड हो जाते। तो पैकेजेस डाउनलोड करता, थोड़ी देर आपको इधर वेट करना है, और इन बिटवीन आपको यहाँ पे परमिशन मांगता, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे आप वाई टाइप करके एंटर कर देना, 7-8 बार ये पूछता ये परमिशन, तो आप हमें वाई टाइप करके एंटर मारते जाना। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे पैकेजेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, जहाँ भी ये पूछ रहा परमिशन, तो आप हमें वाई टाइप करके एंटर मारते जाना। तो यहाँ पे अपनी पहली कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, यहाँ पे सारे पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपन दूसरी कमांड पे चलेंगे, यहाँ पे अपन क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, गिटहब का वेबसाइट है, टर्मक्स ADP का रिपोजिटरी है। तो इस वाली वेबसाइट पे आपको आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं redmi.md यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पे आप टैप करो। अब टैप कर देने के बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे अपन, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन इसमें एक कमांड आपको देखने को मिल जा रही, तो इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है, आपको क्रल से कॉपी करना है। देख सकते हैं डॉलर को आपको कॉपी नहीं करना है, क्रल से कॉपी करके पूरा कमांड यहाँ पे आप अच्छे से कॉपी कर लेना। वापिस से अपन यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन में चलेंगे और यहाँ पे अपन कमांड को पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे
अपन देख सकते हैं, जो ADB फास्ट बूट है अपने डिवाइस में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा था, थोड़ी देर आपको इधर वेट कर लेना है। तो जो Turmux ADB है अपने डिवाइस में सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। ADB फास्ट बूट यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि अपने डिवाइस में डाउनलोड हुआ या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड आप एग्जीक्यूट करो, Turmux यहाँ पे टाइप करो -ADB स्पेस देके यहाँ पे आप वर्जन टाइप कर दो, एंटर कर देंगे अपन। तो देख सकते हैं पे 34.0.4 इसका वर्जन है। आपके डिवाइस में कुछ अलग वर्जन रह सकता है, इसके अपडेट आते रहते हैं। ADB यहाँ पे अपना सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ से अपन इसको क्लोज कर देंगे। तो इतना सब कुछ प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपको ZRQR एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे आपको सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको अपने फाइल्स में से फास्ट बूट रॉम को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ये जिप फाइल रहती है आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ZRQR से इसको एक्सट्रैक्ट करना, कौन से भी दूसरे फाइल मैनेजर से एक्सट्रैक्ट मत करना, नहीं तो एरर्स मिलते। यहाँ पे फास्ट बूट रॉम के अपन फोल्डर के अंदर चलेंगे, ये वाले फोल्डर को भी अपन ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे फाइल्स आपको मिल जाते, इमेजेस का फोल्डर है और इतने सारे फ्लैश फाइल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो flash_all.bad वाली फाइल है, जो .bad वाली फाइल है वो विंडोज के लिए है, वो सिर्फ PC में वर्क करती, तो यहाँ पे अपन विंडोज यूज नहीं कर रहे हैं। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे flash_all.sh वाली फाइल देखने को मिल जा रही, ये जो sh वाली फाइल है ये एंड्रॉइड में वर्क करती, तो अपन विदाउट PC के यहाँ पे फ्लैश करने वाले हैं, तो अपने को flash_all.sh से कंसल्ट है। ये बैड वाली फाइल को कुछ भी छेड़खानी मत कर देना, ये सिर्फ विंडोज के लिए है। तो अपना जो काम है flash_all.sh वाली फाइल का है। तो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जो flash_all.sh और flash_alt_log.sh ये दो फाइल्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। flash_alt_sh वाली फाइल अगर आप फ्लैश कर देंगे तो आपके डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉग ही रहेगा, और flash_alt_log.sh वाली फाइल अगर आप फ्लैश करेंगे तो आपके डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे लॉक हो जाता। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, आप जो भी सेलेक्ट करना चाह रहे कर लेना, आपके ऊपर है। आप लॉक करना चाह रहे तो ये वाली फाइल सेलेक्ट कर लेना, लॉक करना नहीं चाह रहे तो ये वाली फाइल सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं लॉक करना नहीं चाह रहा हूँ तो मैं ये वाली फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे अपन ZRQR टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको इतना सारा कोड देखने को मिल जाता। अब यहाँ पे आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ता तभी ये आपके डिवाइस में फ्लैश होता। यहाँ पे आप क्या कर सकते, 3 डॉट्स पे टैप करो, व्यू पे टैप करो और लाइन नंबर पे टैप कर दो। तो देख सकते हैं लाइन नंबर भी शो करता। आपको इधर क्या करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। जैसा यहाँ पे फास्ट बूट $* लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे फास्ट बूट $*, यहाँ पे इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे आपको Turmux -hyphen टाइप कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने Turmux -hyphen को इंसर्ट कर लिया है। ऐसे ही यहाँ पे आपको जितने भी फास्ट बूट $* जितने भी देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे आपको Turmux -hyphen को ऐड करते जाना है। अब नेक्स्ट जो देख सकते हैं यहाँ पे है फास्ट बूट $* 12th लाइन पे है, तो यहाँ पे मैं Turmux -hyphen को इंसर्ट कर लेता हूँ। ध्यान देना है आपको सिर्फ स्टार्टिंग में जहाँ पे फास्ट बूट $* लिखा हुआ है उससे पहले यहाँ पे आपको Turmux -hyphen को ऐड करना है। अब जैसा यहाँ पे देख सकते हैं तो 3rd लाइन पे फास्ट बूट $*, यहाँ पे मैंने Turmux -hyphen को ऐड नहीं किया है। क्यों बोले तो ये स्टार्टिंग में नहीं है, देख सकते हैं कुछ स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग में रहना चाहिए। देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 14th लाइन पे है फास्ट बूट $*, तो यहाँ पे आपको Turmux -hyphen को इंसर्ट कर देना है। दूसरे कहीं भी जगह पे आप मत करना, नहीं तो एरर फेस करने को मिल सकते। ऐसे ही यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ भी फास्ट बूट $* लिखा हुआ है वहाँ पे आपको Turmux -hyphen को ऐड करते जाना है। थोड़ी मेहनत तो लगती, थोड़ा टाइम लगता। थोड़ी आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, Turmux -hyphen तक इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे 19th लाइन पे देख सकते हैं अपने को टाइप करना है Turmux -hyphen। तो यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ स्टार्टिंग में, यहाँ पे इसको अपन पेस्ट कर देंगे। ऐसा इजी हो जाता है, ऐसा कर ले सकते आप। ऐसे ही आपको कॉपी पेस्ट कर लेते चले जाना है। यहाँ पे सब कुछ कर देने के बैक मत कर देना, नहीं तो जो भी आप टाइप करे वो डिलीट हो जाता। यहाँ पे ऊपर आपको सेव का बटन दिख जाता, कंप्लीट होने के बाद याद से आप यहाँ पे सेव वाले बटन पे प्रेस कर देना। तो देख सकते हैं फाइल सेव लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे मैं जल्दी से इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे Turmux -hyphen में जल्दी से टाइप कर लेता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे जगह पे Turmux -hyphen को ऐड कर लिया है। तो ऑल डन है अपना, इतना काम हो गया है। यहाँ पे इसको अपन क्लोज करेंगे। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर से मटेरियल फाइल्स डाउनलोड कर लेना है और अपन यहाँ पे मटेरियल फाइल्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे अपन परमिशन को अलाउ कर देंगे इसके। तो इधर आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको 3 लाइन्स पे जो भी है टैप कर देना है। यहाँ पे ऐड स्टोरेज आपको ऑप्शन दिख जाता है, इस पे टैप करो और एक्सटर्नल स्टोरेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन्स पे टैप करना है और Turmux को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यूज दिस फोल्डर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इस पे टैप करो एंड अलाउ कर दो। तो देख सकते हैं होम करके एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, इस पे टैप करेंगे अपन। तो ये Turmux का पाथ है, यहाँ पे आपको Turmux के फाइल्स देखने को मिलते हैं। तो इसको अपन क्लोज करेंगे, इधर से अपन Turmux एप्लीकेशन को यहाँ से लॉन्च करेंगे। यहाँ पे इसके कुछ परमिशंस को अपन अलाउ करेंगे,
करेंगे टर्मक्स खुद से परमिशन नहीं मांगता, अपने को अलग से अलाउ करना पड़ता। तो यहाँ पे अपन कमांड को टाइप करेंगे टर्मक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज, इतना टाइप करके अपन यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पॉपअप आता स्टोरेज को एक्सेस करने का, तो यहाँ पे आप अलाउ पे टाइप कर देना। अब यहाँ पे जो टर्मक्स का स्टोरेज परमिशन है वो अलाउ हो चुका है। अपन यहाँ पे मटेरियल फाइल्स पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं स्टोरेज फोल्डर शो कर रहा है अपने को। और अपन टर्मक्स में आके यहाँ पे ls टाइप करेंगे। ls का मतलब क्या रहता बोले तो आपके फोल्डर में जितने भी फाइल्स है वो शो करता ls कमांड की मदद से। तो ls टाइप करके अपन एंटर करेंगे तो देख सकते हैं स्टोरेज फोल्डर शो कर रहा है। वापिस से अपन यहाँ पे मटेरियल फाइल्स पे चलेंगे और अपन इंटरनल स्टोरेज पे चलेंगे जहाँ पे आपके फाइल्स है। फाइल्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पे फास्ट बूट रोम पे चलता हूँ। तो यहाँ पे अपने को इमेजेस का फोल्डर को सेलेक्ट करना है और अपन flash_all.ss वाली फाइल फ्लैश करने वाले, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप बूट लोडर को लॉक करना चाह रहे हैं, अभी भी बता दे रहा हूँ बूट लोडर को लॉक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप flash_all_log वाली फाइल को यहाँ पे आप मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉक करना नहीं चाह रहा हूँ, ये flash_all.ss वाली फाइल को मैं इधर मूव कर लेता हूँ। यहाँ से अपन कट कर लेंगे और अपन इधर होम वाले फोल्डर पे चलेंगे। यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, प्लस पे टाइप करता हूँ मैं, फोल्डर पे चलेंगे और यहाँ पे अपन टाइप कर देंगे रिकवर। फोल्डर का नाम अपन रिकवर रख देंगे, आप कुछ भी रख ले सकते हैं। ओके पे अपन टैप कर देंगे, इधर रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं अभी रिकवर फोल्डर शो कर रहा है। इसके अंदर आ जाएंगे अपन और यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन पे देखने को मिलता है यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो इधर आपको थोड़ा सा वेट करना है प्रोसेसिंग एंड होने तक, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ पे बहुत बड़े फाइल्स रहते हैं, ये मूव करता सारे फाइल्स को। ये जो फाइल्स रहते बहुत लार्ज रहते, सुपर फाइल्स रहते, इसमें यूजर डेटा रहता, तो तकरीबन ये 7-8 GB के रहते। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे आपको स्टोरेज बहुत ज्यादा फ्री रहना चाहिए पीसी डिवाइस में। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे यहाँ पे फोल्डर मूव हो चुके हैं। यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर है और flash_all.ss वाली फाइल है। तो वापिस अपन यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन में चलेंगे और यहाँ पे अपन ls टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो जैसे सकते अब यहाँ पे दो फोल्डर शो कर रहे हैं, स्टोरेज और रिकवर। जो अपन अभी अभी फोल्डर क्रिएट करे रिकवर वो भी यहाँ पे शो कर रहा, तो ये फोल्डर में हमने को जंप करना पड़ता अपने फाइल्स यही फोल्डर में रिकवर फोल्डर में। तो अपन टाइप करेंगे cd और अपन इधर फोल्डर का नाम टाइप कर देंगे रिकवर, एंटर करेंगे अपन। तो देख सकते अपन यहाँ पे रिकवर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे स्लैश रिकवर लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे आप ls टाइप करो और एंटर करो तो देख सकते हैं flash_all.ss और इमेजेस फाइल, ये दो फाइल्स यहाँ पे आप शो कर रहे हैं। तो इतना होने के बाद यहाँ पे आपको अपने दूसरे डिवाइस पे चलना है, इसको अपन थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। जो डेड फोन है उस पे आ जाओ आप, इसको आपको फास्ट बूट मोड पे लेके जाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसा लेके जाते हैं। आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ आप प्रेस करके रखो, थोड़ी देर प्रेस करके रखो यहाँ पे जब तक आपका डिवाइस ओपन नहीं होता। डिवाइस ओपन होगा थोड़ी तो यहाँ पे आप पावर बटन को रिलीज कर दो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट बूट मोड पे अपन आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अपने डिवाइस को इससे कनेक्ट करना पड़ता, आप यहाँ पे USB OTG का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा आता है, टाइप सी टू USB OTG, तकरीबन 50 rupees का ही मिल जाता, करीबी मोबाइल स्टोर पे आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैं भी इसको अपने लोकल स्टोर से खरीद लिया। और आपको एक नीट पड़ती USB केबल की, यहाँ पे आप ओरिजिनल USB केबल यूज करो, थर्ड पार्टी केबल यूज मत करना, नहीं तो आपका डिवाइस इधर इन बिटवीन डिस्कनेक्ट हो सकता। मेरे को बहुत से क्वेरीज आते कमेंट्स में कि भाई प्रोसेस बीच में एंड हो जा रहा, तो USB केबल आप अच्छा क्वालिटी वाला यूज़ करो। तो यहाँ पे अपन अपने डिवाइस को इधर दोनों डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। वैसे आप यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो OTG केबल है आपको अपने PC डिवाइस में इंसर्ट करना है। अच्छे से देखो, बहुत जन क्या करते हैं ये डिवाइस में कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसको इस अपने PC डिवाइस में इंसर्ट करना है। और अपन यहाँ पे अपने इस डिवाइस को कनेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं आप अपने दोनों भी डिवाइस अब कनेक्टेड है। अपन PC डिवाइस पे चलेंगे और यहाँ पे अपन टाइप करेंगे टर्मक्स हाइफन फास्ट बूट डिवाइसेस, ये कमांड देख सकते हैं टर्मक्स हाइफन फास्ट बूट डिवाइसेस, अपन एंटर कर देंगे। थोड़ी देर आपको इधर वेट करना है। देख सकते हैं टर्मक्स CVI का पॉपअप आपको देखने को मिल जाता, तो यहाँ पे आप ओके पे टैप कर दो। तो अब आप देख सकते हैं सीरियल नंबर शो कर रहा है C559F558, तो इसका मतलब ये है कि इसने अपने इस वाले दूसरे डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया है। तो इतना सब कुछ प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे अपन वापस से ls टाइप करेंगे, एंटर करेंगे अपन, तो देख सकते हैं दो फाइल्स है पहले की तरह ही, flash_all.ss और इमेजेस का फोल्डर है। ये जो flash_all.ss वाली फाइल है ये अभी देख सकते हैं व्हाइट कलर में है, तो अभी फ्लैशेबल नहीं है, इसको अपने को फ्लैशेबल करना पड़ता है, इसको अपने को ग्रीन कलर में लाना पड़ता। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड है chmod आप टाइप करो और यहाँ पे आप फाइल का नाम इंसर्ट कर दो flash_all.ss। तो इतना टाइप करके अपन एंटर कर देंगे तो देखते हैं कमांड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। वापिस अपन ls टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं flash_all.ss वाली फाइल ग्रीन कलर में हो चुकी है, मतलब ये फ्लैशेबल हो चुकी है, अपन इसको फ्लैश कर सकते। तो अपन क्या करेंगे इधर /टाइप करेंगे और अपन फाइल का नाम इंसर्ट कर देंगे इधर flash_all.ss। तो इतना टाइप करके
अपन एंटर कर देंगे तो यहाँ पे जो फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट करना, इरेजिंग बूट, तो ये फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप यहाँ पे वेट करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट्स तक लगते हैं, तो इधर आप अच्छे से वेट करना, अपनी डिवाइस को डिसकनेक्ट भूल के भी मत करना, नहीं तो आपका डिवाइस हार्ट ब्रेक हो सकता। मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसको मैं साइड में ऐसा रख देता हूँ। इधर बहुत से फाइल्स आपके डिवाइस में फ्लैश करता, सुपर फाइल्स बहुत लार्ज रहते हैं, लाइक 3 to 4 GB के रहते, तो ये वो फाइल्स आपके डिवाइस में मूव करता, इमेजेस फाइल मूव करता, बूट वाली फाइल मूव करता, तो टाइम तो लगता है यारो। यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। जब तक ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती, आपको अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट भूल के भी मत करना है। जब तक यहाँ पे डेड फोन बूट नहीं होता, इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी मत करना है। फास्ट बूट की स्क्रीन यहाँ से नहीं हटती, तब तक डिस्कनेक्ट मत करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड हो चुकी है, यहाँ पे सारा कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अपना दूसरा डिवाइस देख सकते हैं यहाँ पे बूट हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बूट होल्डर अपना अनलॉक ही है, इसको बूट होने में टाइम लगता। यहाँ पे आप अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और ये अपने पीसी डिवाइस का काम भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसको अपन क्लोज कर देंगे। जल्दी से मैं इसको बूट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये ओपन होता है या नहीं। देख सकते हैं आप, ये ओपन हो चुका है, MIUI यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको सेटअप कर सकते हैं आप, और ये नॉर्मल पहले के जैसे ही रन करता। तो ऐसा आप अपने कौन से भी Xiaomi डिवाइस को इजीली रिकवर कर सकते। जो भी मैं वीडियो में बताया, अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना डिवाइस ओपन हो चुका है, यहाँ पे इसको सेटअप कर ले सकते हैं और नॉर्मल इसको यूज कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी है तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता कर देना, ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो चलो फिर अब हम वीडियो को एंड करेंगे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय एंड पीस आउट।